answer. यहाँ आंसू है भाई के आंसू मेरे नाक माँ बात है बता राम जी ने शरीर नदी किनारे कहा था मुक्ता भैया जहाँ हमारी शादी होगी वहाँ तुम्हारी भी करवा देंगे अब बताओ राम जी की भी शादी हो गई हो गई क्यों भैया तुम्हारा कोई भाई था कहाँ है क्या नाम है उनका उसका नाम है सुक्ता आपका मुक्ता उनका सुत्ता मुक्ता ना कह लो फलाना अच्छा आपका मुक्ता उनका सुत्ता ये नाम कैसे पड़े जब मैं बहुत छोटा था कितने छोटे थे इतना था इतना छोटा होता है जब मैं पैदा होते इतने होते हूं अच्छा हां अब आज छोटू अब बड़ा कितना होगे जब मैं पैदा होते इतने होते हूं हां तो जब मैं इतना था हां तो मेरा भाई इतना था चलो मान लिया न माना तो लो फलाए करा दूंगा मैं इतना छोटा कहीं होता है अपनी अम्मा से पैदा हो तो कोनो मुर्गी से नहीं पैदा हो तो कह रहे है ना इतना था फिर ऐसे पूछा कहे अपनी अम्मा के पेट में थे ना हाँ जब ये अपनी अम्मा के पेट में था तो दूसरा तू तो ले लेता ना बोल बोल आए ये अपनी अम्मा के पेट में था अरे तुम भी तो हो गए मुर्गी के पेट में रहो का हाँ तो वही तो हमारे घर में एक दिन चोर घुस गयो चोर घुस गया तब क्या हुआ उसने सोना चांदी हीरा मोती ऊसा भूसा ए रुको ये हीरा मोती सोना चांदी तो ठीक है और ये भूसा क्यों लूटेंगे वो भूसा वो महंगा रहो पता है 2000 का जो है कुंटल आज वो चलत रहो तो भूसो तक लेके भूसा ऊसा हाँ फिर राख अब ले और बड़ी समस्या राख क्यों ले जाएंगे को फेंकी फिर हाँ सही है तो राख हाथ सब कुछ ले गया फिर पता है हमारे अम्मा के पेट में बंदूक अड़ा दो अरे गलत किया हैं और हम अम्मा के पेट में थे दोनों भाई उसने कहा जो कुछ अंदर हो ऐसे रुक जाए तो तू प्रैक्टिकल बताऊं हमारी अम्मा के पेट में हम थे मैं रहा हूं ये उड़ा है दोनों जने रहा तो कहने ओए जो कुछ अंदर हो बाहर निकाल देती है सबसे पहले निकल के ठाड़ हुई गए अम्मा ठाड़ हुई गए हूं दहशत से पैदा हुए थे हाँ दहशत से पैदा भाई तो ये मुक्ता सुक्ता में क्या है तो मुक्ता और सुक्ता मैं बहुत जब छोट छोट कर रहा हूँ तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करत का सुसु तो मतलब मैं जल्दी जल्दी करत का हूँ तो मैं जल्दी जल्दी करता का हूँ तो मोर जो अम्मा रहा है तो मोर नाम रखा दी ने मुक्ता और जब मैं कर देता हूँ तब ये सोख लेता तो इनका नाम सोखले गए खेलाने का नाम परगा सुक्ता सुंदर तुम दोनों में बड़ा छोटा कौन है ये मुझसे 6 महीना बड़ा है और मैं से 6 महीना जेठा अरे तो ये तो कई बात है छोटा कौन है अरे ये मुझसे 6 महीना छोटा है और मैं से 6 महीना हल्का अरे भाई तुम पैदा कब हुए थे इतवार को और तुम रविवार को अरे तो यार बड़ा छोटा कौन है कहे हिना कहे हाँ बताओ ये पहले बता अम्मा तो एक ही है हाँ हाँ बाप का ठहिया कल लोग पाया नहीं करो कहीं यहाँ का बताओ गिन नहीं पाया बाप का गिन नहीं पाया गिन नहीं पाया तुमने कितना पागल आदमी है कागे में गिन नहीं पाया तो कहे वहाँ दिया खतरा हो गया तो और बाप का ठहिया कितना लायक आदमी है रुक जा यार बोल दो रुक जा है ना क्यों तुमने गिनती नहीं लगाया रुक जा पहले यहां बता मातारी तो एक है यार हां सत्य है और तम उसे बड़ा ही आओ तो कम से कम ये तो बता दे कि बाप एक है या कि लफड़ा है आओ एक ही है एक है हां हां तेरे बाप का नाम है तेरे बाप का नाम मेरे बाप का
मेरे बाप का नाम पूछना चाहते हो? तुलसीराम भैया जी, थोड़ा मैं कब्रू में पहुंच जाया। का नाम है? का नाम है तोरे बाप का? का नाम? हमारे बाप का। सबसे पहले उसके पिताश्री के आगे जो श्री लगाओ। अरे यार अपनी स्टेजी में जान दे, पहले ये बता मोर बाप को आए। तोर बाप को आए? अरे दोनों के एक ही पिता हैं भाई। अरे तो नाम तो बता यार। हमारे और तुम्हारे पिता का नाम है तुलसीधर। तुलसीदास? नहीं तुलसीदास नहीं, तुलसीधर। कहाँ है वो? बोला मैं उसके भाऊ है, पते हिल दियो। ऐसा ना बोल, हमारी ओर से भगवान लुफड़ाए लेकर। लुफड़ाए नहीं होगी भैया, इधर आ। देव आओ, क्योंकि रनिवासों से बुलावा आया है। महारानी सुनैना का आदेश मुझे मिला है कि अयोध्या के नाई से जाकर के कह दो कि राजकुमारों को कलयुग के लिए ले आए। और सुनो, अभी मौका है। शांत हो जाओ भैया। तुम्हारे यहाँ कौन नौनिया है? अरे बहुत अच्छी अच्छी नौनिया है। सही बता? सही माँ लुफड़ाए ना करे। कौन मजाक का करत होगा? मजाक ना कर, मुंह से मजाक कर। आह बिल्कुल नहीं। सुनो, बहुत अच्छी अच्छी नौनिया है और विवाह योग्य है। हाँ तो अभी राम जी से बात कर लो, अभी कलेवा की रस्म बाकी है। ठीक है, जाओ राम जी से मिलो, लेकर आओ, मैं वहीं मिलता हूँ। उसको बुलाओ पहले। नहीं, वो राम जी से मिलो सीधे। तुम सीधे बाजार कहेंगे? आवत हूँ, भोजन करेंगे। राम जी चाचे तम उसको बुलाए हैं। मुक्ता भैया, मुक्ता भैया। देख रहे हो लक्ष्मण, ये हमारा परम मित्र है मुक्ता। अयोध्या से ये वरात लेकर के आया, मित्र हमारा है। एक बार हमसे मिल गया, फिर दूसरी बार हमारे पास में ही नहीं आ रहा है। क्यों मुक्ता भैया? ए मुक्ता भैया, अरे देख रहे हो, ये हमारा मित्र है, हमारा विवाह हो रहा है, इसे बहुत प्रसन्न रहना चाहिए, लेकिन रो रहा है। किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुमसे? मैं खाली राम जी से बात न करूंगा, अब बाकी सबसे बात करूंगा। ए चाचा बोलाए मुक्ता भैया, मुक्ता भैया, लेकिन मैं बात क्यों आप न बात करूंगा? तुम रो क्यों रहे हो? राम जी सरयू नदी किनारे कह रहे थे कि मुक्ता भैया हमारी शादी होगी, वहां तुम्हारी भी करवा देंगे। आप कह नहीं करवा रहे हो? हाँ बस ऐसे। अरे तो अब का किया जाए? रघुपति राघव राजा राम। क्यों? जब सखाओं के साथ सरयू किनारे खेल रहे थे, तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमारे परम मित्र हो, जहाँ हमारा विवाह होगा हम वहीं तुम्हारा विवाह करवाएंगे। बिल्कुल। लेकिन तुमने भी तो कुछ कहा था। क्या कहा था? तुमने कहा था कि हमें विवाह नहीं करवाना, हमें तो केवल साधु बन करके ही रहना है। मतलब मैं साधु हो जाऊंगा? हाँ तुमने ही कहा था।